सम्माननीय न्यायमूर्ति श्री रामसुरत मौर्य जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री ज्ञान प्रकाश जी, और यहाँ मंच पर मंच के सामने उपस्थित सभी अधिवक्ता बंधुओं में, पिछले कई दशकों से देश में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए अथवा नहीं। कुछ कहने के पहले मैं श्री अरूप भरवाल जी को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है। इन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस विषय पर छानबीन करके संक्षेप में विभिन्न लेखों के द्वारा विचार व्यक्त किए। एक प्रकार से ये कुंजी है जिसके आधार पर हम कॉमन सिविल कोड के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। वो हमारी बधाई के पास रहे। कॉमन सिविल कोड के लिए जब कहीं चर्चा होती है तो संविधान के आर्टिकल 44 का उल्लेख होता है। संविधान कोई निरर्थक डॉक्यूमेंट नहीं है। आप सदैव अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता के रूप में जानते हैं कि एक सिद्धांत है कि किसी भी लेजिस्लेशन में कोई भी शब्द फालतू नहीं माना जाता। तो एक से एक मूर्धन्य विद्वान जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, एक एक अनुच्छेद पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद संविधान में उन्हें शामिल किया। तो यह निर्देश जो आर्टिकल 44 में है कि देश में एक कॉमन सिविल कोड लागू करने का प्रयास किया जाएगा, तो यह निर्देश निरर्थक नहीं है। इसके पीछे एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की भावना है। ऐसा राष्ट्र जहां सब बराबर हैं, राइट टू इक्वलिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रांट हुआ है, तो जहां सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से, जिसका बहुत विस्तार पूर्वक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सिविल कोड का विरोध होता चला रहा है। लोग उसे धर्म से जोड़ देते। मैं दो तीन उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सब यहां जानते हैं जमींदारी एबॉलिशन एक्ट है, उसमें भी संपत्ति के सक्सेशन की बात कही गई। उसमें तो कहीं हिंदू मुस्लिम का अंतर नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू की जमींदारी हिंदू के भूखधरी रिकॉर्ड होगी, उसी प्रकार मुस्लिम की होगी। वो सेकुलर कानून है। संपत्ति का कानून सदैव से सेकुलर कानून माना गया है और धर्म से हट करके माना गया है। इसलिए अगर हम संपत्ति के सक्सेशन के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में कोई बात कहते हैं कि सारे देश के अंदर उत्तराधिकार का कानून एक लागू होना चाहिए, तो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार का नहीं। इसी प्रकार इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सारे के सारे जो है सेकुलर है, अपने नेचर से सेकुलर है। तो सेकुलर है तो इसमें धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं होता कि कोई आदमी एक धर्म विशेष का है तो उसका अपराध क्षम्य है, दूसरे का नहीं है, या उसके जांच की प्रक्रिया दूसरी होगी। ये सारे के सारे इसलिए देश की अखंडता और एकता को संरक्षित करने के लिए, देश में कानून की समानता हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन यहां कुछ बात दूसरी है।
यहाँ धर्म को वैवाहिक संबंधों से जोड़ दिया गया है। मुस्लिम लॉ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्युलर है कि नहीं है, तो अलग अलग चीजों की व्याख्या लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने थोड़े से राजनीतिक हितों के लिए करना प्रारंभ कर दिया, और इसलिए कॉमन सिविल कोड का विरोध होता चला गया। न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता जी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उल्लेख का किया, उसके भाषण का उल्लेख किया है अक्ष का, तो उस समय भी महसूस ये हो रहा था जयराम नेहरू जी ने 1954 में अपना उद्बोधन दिया कि हाँ इस देश में आवश्यकता है कॉमन सिविल कोड की, अभी नहीं। लेकिन वो अभी नहीं वाला शब्द जरा समझ में नहीं आया, कब तक अभी नहीं का जवाब है, कब तक नहीं होगा। हम 70 साल बीत गया संविधान को लागे हुए, और अभी तक हम संविधान के इस एक निर्देश का पालन नहीं कर पाए। ये ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन स्टेट पॉलिसी जिसका निर्धारण मूलधन विद्वानों ने किया है हम उसका अनुपालन न करें। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो धर्म और सक्सेशन ये सारी चीजें अलग है। विवाह का कानून भी सेक्युलर कानून है, गोद लेना उत्तराधिकार का कानून, हम अपने संपत्ति के वसीयत किस प्रकार से करें कैसे करें उस पर कौन सा कानून हो, तो एक जात या एक संप्रदाय के लिए एक प्रकार का, दूसरी जात दूसरी संप्रदाय के लिए दूसरे प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, यूनिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की समग्रता में नागरिकों के अंदर समानता और राष्ट्र की एकता। इसलिए हमने प्रीएम्बल पर सारी बातों को सम्मिलित करते हुए बात कही है कि हमें इक्वलिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए। तो जब हम अलगाव की बात करेंगे तो फिर हम फ्रेटर्निटी के भाई भाईचारे की बात कहाँ से ले आएंगे, हम संविधान के प्रस्तावना को फिर नकार देंगे, तो हमें सारे जो संविधान के वृहद लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम समझते हैं कि कॉमन सिविल कोड इस देश में आवश्यक है। इस पर चर्चा बहुत बार हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में इसके बारे में अपना निर्देश भी दिया है, और ये अपेक्षा की है कि सरकार इस संबंध में कानून बनाएगी, और मुझे अब विश्वास है कि अभी जो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, ऑब्जर्वेशन कहें निर्देश कहें, तो उस पर सरकार अमल करेगी। इस पर कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी राजनीतिक उथल पुथल हर चीज में होती है। आपने 3 तलाक का उसको प्रतिबंधित किया, थोड़ी उधर उछल उछल हुई, लेकिन उसके बाद कानून बन गया और आप सब धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं उसे। इसी प्रकार कॉमन सिविल कोड में शुरू का इनिशियल टर्मोइल्स होंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समाज एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके जो लाभ हैं वो व्यापक स्तर के लाभ हैं, और अलग कानून बनाने से जो नुकसान है वो दूसरे प्रकार के नुकसान है, वो जिसके हित में बनाए गए हैं उन्हीं के लिए नुकसान दे है। तो मैं समझता हूँ कि आज देश की आवश्यकता है, नेशन फर्स्ट, अगर हमें पूरा करना है तो देश की आवश्यकता है